पेनोरमा म्यूजियम है रामदेवरा के अंदर. सी द वेदर, सी द म्यूजियम, ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा लग रहा है. अंदर चल के देखते हैं. और ये अंदर रामदेव बाबा जी विराजमान है. सी, लेट्स सी इनसाइड. ये कितना सुंदर लग रहा है. तो मौसम गजब है, म्यूजियम गजब है. मतलब राजस्थान की जो ब्यूटी है ना, मुझे बहुत पसंद है. ये जो गोल्डन कलर के उसके पत्थर होते हैं, स्टोन, बहुत प्यारे लगते हैं. इनकी चमक, एवरीथिंग इज मस्त मस्त मोला. मस्ती में आग लगी मस्ती में. सी पैनोरमा, नाइस वेदर विद वेरी नाइस म्यूजियम. लेट्स चेक इट इनसाइड. हाँ जी गाइस, तो हम अंदर है म्यूजियम के. ये है भगवान द्वारकाधीश से भेंट जो थी. इसमें देखो लोक मान्यता इस बारे बता रखा है कि किसके बारे में है, ठीक है. और यहाँ पे अंदर की म्यूजियम में टिकट ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 10 रुपये की टिकट है. ये देखो विष्णु भगवान जी बैठे हुए हैं. ये इसमें रामदेव जी के माता पिता है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ है, वो दिखा रखा है पूरा दृश्य. अच्छा प्रेजेंटेशन कर रखा है, मतलब इनके पूरी जो जीवन कथा नहीं होती है उस तरह से दिखा रखा है. ये देखो घूम घूम रहा पगला, शायद आपने गाना सुना हो तो काफ़ी अच्छा है. ये आगे गए क्या किया था बताओ, मुझे बताओ स्टोरी थोड़ी. इसमें वन में ऋषि बालीनाथ का आश्रम था. अच्छा, तो वहाँ पर वो शिक्षा लिया करते थे बाबा रामदेव जी. ये रामदेव जी है साइड में, ठीक है. बालीनाथ अपने आश्रम में तपस्या किया करते थे. हाँ, अच्छा अच्छा. तो वही उन शिक्षा भी लिया करते थे और तपस्या भी करते थे. अपने गुरु मानते थे बाबा रामदेव. और भैरव, और वही उन्होंने वध किया भैरव राक्षस का. अच्छा अच्छा, पूरा स्टोरी दिखा रखा है इसमें. नाइस प्रेजेंटेशन. ये मेरे जीजू ने किस तरह से बताया है, को बताया कि इस इलाके में भैरव राक्षस का आतंक है. उसने मेरे किसी भी मानव को जीवित नहीं छोड़ा. उसी समय वहाँ भैरव राक्षस आ गया, जिससे बचाने हेतु बालीनाथ ने रामदेव जी को एक चादर के नीचे छिपा दिया. किंतु चादर को हिलाते देखकर भैरव राक्षस उन पर झपटा और उनकी चादर को खींचने लगा. रामदेव जी की से वह गुदड़ी जब द्रौपदी के चीर के समान बढ़ती गई वो खींचते रहे वो लंबी होती गई. तब भैरव राक्षस घबरा कर वहाँ से भाग गया. लोक मान्यता है कि अपने घोड़े पर सवार रामदेव जी ने उसका पीछा किया और पहाड़ी पर उसे पकड़कर उसका वध कर दिया. क्या बात, देखा समझ आ गया. ये पूरे देखो आप, पूरे इनके बारे में बता रखा है. मतलब जैसे क्या हुआ था, जैसे रानी नेत्रदे की सखियों का चमत्कार दिखाया था, ये स्टोरी दिखा रखी है, ठीक है. और ये दिखा रखा है इनका रामदेव जी का नेत्रदे से जो विवाह हुआ था, ये इनका विवाह का दिखा रहा है. सुंदर बना रखा है काफ़ी. ये रामदेव बाबा जी है, ठीक है. और ये है बोईता महाराज के डूबते हुए जहाज का जो दिखाया था ना, बाणिया बोईता. इसमें स्टोरी है, गाना भी बड़ा प्यारा सा है. इसमें बोलता है ये बाणिया बोईता. ये रामदेव बाबा जी इनको पर्चा दिखाते हैं. ये बाणिया बोईता इनके घोड़े के लिए एक सुंदर सा हार बनवाते हैं इसके अंदर. तो वो हार जो है इनको बहुत पसंद आया था. वो सोचते अपनी बीबी को पहनाऊंगा, पछे बाबरी लुगाई पहनूँ, ऐसे ऐसे करके वो बोलते हैं. मतलब अपनी जो पीढ़ी दर पीढ़ी उसके एक अंठा काम आता. लेकिन ये जब ये बाबा जी को पता चल गया तो बाबा जी ने इनको पर्चा दिखाने के लिए जो उनकी नाव थी पानी में डुबोने, फिर इन्होंने क्षमा मांगी, फिर वापस से बच के आ गए थे. ऐसे करके पर्चा दिखाया था, मतलब लकी बन राजा को चमत्कार दिखाया था. ये पुगलगढ़ के पहाड़ियों का गर्व नाश किया था रानी रूपांदे. काफ़ी अच्छे तरीके से दिखा रखा है. ये देखो आप, बकरी का दूध निकालते हर जीव घाटी बाटी, सॉरी. नाइस. अच्छा बना, 10 रुपये में तो वसूल है. 10 रुपये में मतलब पूरी लीला दिखाई गई है बाबा जी की
कि कैसे थे, जैसे राम सरोवर तलावत का निर्माण कैसे किया था वो दिखाया था, मैंने सरोवर दिखाया था ना आपको, सुगनाबाई के बालक का पुनर्जीवित कैसे किया था वो स्टोरी बता रखी है, ये सारा लिखा हुआ है इनके बारे में, ठीक है। तो जो सरोवर का तालाब था कैसे निकला, जो रूनीचा रामदेवरा ग्राम में एक विशाल तालाब है जो कि राम सरोवर के नाम से प्रसिद्ध है, ये तालाब रामदेव जी ने ही खुदवाया था, इसी मान्यता कारण भक्त लोग इसके स्नान को गंगा स्नान के तुल्य पवित्र मानते हैं, मतलब है भाई पवित्र तो मानते हैं, चमत्कार तो होते हैं भाई। वेरी नाइस, मतलब अच्छा प्रेजेंटेशन है। डाली बाई को बहन जैसा सम्मान किया था, बिल्कुल मक्का के पांच पीरों का चमत्कार दिखाया था, ये देखो ये पांच पीरों को दिखाया चमत्कार रामदेव बाबा जी ने, और ये बाबा रामदेव भक्त हरजी भाटी जो थे वो। डाली बाई ये था म्यूज़ियम जो आपने देखा, काफ़ी प्यारा था, असूल है 10 रुपये में स्टोरी पूरी बाबा जी की। ये देखो कितनी सुंदर म्यूज़ियम, बहुत प्यारा है, और सामने रामदेव बाबा जी बैठे हुए हैं, ठीक है। मौसम तो बहुत ही गजब है भाई, देखो आप मौसम देखो, मौसम तो बहुत गजब है। ये सूर्य जी, सूर्य नमस्कार कर लीजिए, गजब। ये हमारे सूर्य देवता हल्के से झांकते हुए जो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, इस समय बंजर जमीन भी बहुत प्यारी लग रही है। देखिए आप पूरा म्यूजियम है ये, देखिए रामदेव बाबा जी अंदर का नज़ारा, और ये प्यारा वेदर, बनावट बहुत मस्त होती है इधर की, देखो पत्थर एवरीथिंग, देख सी। मेरा छोटा भांजा इसको रेड फोर्ट कह रहा है ये आई थिंक फैसिलिटीज़ है, साइड में लिखा हुआ भी है, यू नो वेरी वेल फैसिलिटीज फॉर वॉट पर्पस स्टिंग, एंड वेदर से तो प्यार हो रहा है मुझे, ये कोई रेड फोर्ट नहीं है यहाँ के, तो भाई राजस्थान के तो यहाँ पे फैसिलिटीज़ भी कुछ नवाबों वाली होती है। देखो आप होल व्यू फ्रॉम द राजस्थान रूनीचा धाम, एंड दिस इज़ द म्यूज़ियम ऑफ रामदेव बाबा जी, दैट्स कॉल्ड पैनोरमा, नाइस व्यू, नाइस म्यूज़ियम, ओनली 10 रुपीज़ टिकट, एंड एवरीथिंग इज़ ब्यूटिफुल, लाइक लाइफ इज़ ब्यूटिफुल। जय बाबा की।